नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक कुत्ते की पूंछ और दूसरा पाकिस्तान, लाख कोशिश कर लीजिए कभी सीधा नहीं होने वाला है। ये एक बार फिर से साबित हो गया है जब 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मुकाबला दुबई में हुआ और इस मैच की पारी के 18वें ओवर में पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई थी कि एक बार तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान बेचारा अफगानिस्तान से हार जाएगा और तमाम पाकिस्तानी फैंस के चेहरे उस वक्त लटक गए थे। लेकिन तभी आसिफ अली ने 19वें ओवर में 4 छक्के जड़कर पाकिस्तान को अप्रत्याशित जीत दिला दी। इस जीत की खुशी में पाकिस्तानी इतने पागल हो गए हैं कि एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी पत्रकार सुमैरा खान लगी भारत के दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह को एक बार फिर से ट्रोल करने। लेकिन वो भूल गई कि एक जाट से पंगा लेना उसे भारी पड़ सकता है और हुआ भी वही। जैसे ही उसने ट्रोल करना शुरू किया, भज्जी ने गजब के जवाब से उसकी बोलती बंद कर दी। दरअसल जिस तरीके से आसिफ अली ने 4 छक्के जड़कर पाकिस्तान को जीत दिलाई, उनकी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की एक क्रिकेटर होने के नाते हरभजन सिंह ने तारीफ कर दी और कह दिया आसिफ अली ने आखिरी गेंद पर सिंगल लेने से मना कर दिया और अगले ओवर में 4 बड़े छक्के लगाकर अपनी स्टाइल में मैच फिनिश किया। ये काफ़ी आत्मविश्वास वाला काम था, क्लीन और पावरफुल हिटर। हरभजन सिंह ने जैसे ही आसिफ अली की तारीफ की, पाकिस्तानी पत्रकार सुमैरा खान ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा, हरभजन सिंह एक बार फिर 4 छक्के, वॉक ओवर चाहिए? पाकिस्तान की जीत पर कूद रही इस पाकिस्तानी पत्रकार को हरभजन सिंह ने भी करारा जवाब दे दिया और एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार पर जबरदस्त ताना मारा। इस स्क्रीनशॉट में लिखा था, कीप रोलिंग योर आइज, मे बी यू विल फाइंड अ ब्रेन बैग देयर, यानी अपनी नजरें इधर उधर घुमाती रहो, क्या पता तुम्हें तुम्हारा दिमाग वापस मिल जाए। इस स्क्रीनशॉट के साथ ही हरभजन सिंह ने हंसते हुए लिखा, मुझे आशा है कि इतनी अंग्रेजी तुम्हें समझ आ जाएगी या फिर कोई तुम्हें इसे उर्दू या हिंदी में समझा सकता है। मुझे लगता है कि वैसे इतनी अंग्रेजी तुम्हें समझ में आनी चाहिए और साथ में थोड़ी शर्म भी। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की अंग्रेजी कैसी है। वो अक्सर अंग्रेजी बोलते वक्त लड़खड़ाते रहते हैं, इसीलिए हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार सुमैरा खान की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया, क्योंकि सुमेरा पर तो पाकिस्तान की जीत का ऐसा खुमार चढ़ा था कि उन्होंने इस खुशी में 4 सिक्सेस लिखने के बजाय 4 सिक्सर्स लिख दिया, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। क्योंकि 4 सिक्सेस का मतलब 4 छक्के और 4 सिक्सर्स का मतलब 4 छक्के मारने वाला होता है। यही वजह है कि उल्टी पुल्टी अंग्रेजी के लिए हरभजन सिंह ने सुमेरा को ही ट्रोल कर दिया, जिससे बौखलाई पाकिस्तानी पत्रकार सुमैरा खान ने भी धर्म के धंधे पर उतर आई और जब कुछ नहीं मिला तो हरभजन सिंह के धर्म को बीच में ले आई और कहा, काका हरभजन सिंह, जिस दिन आप करतारपुर साहिब जाने का फैसला लेंगे तब सीमा पर मैं आपका स्वागत करूंगी। महान बाबा जी से औरत से सम्मानपूर्वक बात करना सीखें। हम पाकिस्तान वाले पड़ोसियों के साथ ऐसा करते हैं, बाबा जी की माता की समाधि पर भी ले चलेंगे। पाकिस्तान के लोग इसी तरह से खेल के बीच धर्म को लाते हैं, वो इस काम में माहिर हैं। इसीलिए तो जब पाकिस्तान ने भारत को हराया तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे मोहम्मद रिजवान को हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ना देखकर बेहद अच्छा लगा। तो वही इमरान खान सरकार में गृहमंत्री शेख राशिद ने तो पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बता दिया था। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन पाकिस्तान हारेगा उस दिन इस्लाम की हार हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट से इस्लाम की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन ये बात बेचारे पाकिस्तानी नहीं समझ पाते हैं और बेतुकी बातें करते रहते हैं।